नजर और जो मंच पर बैठे बार बार सब उनको नाम ले रहे हैं, भाई धन सिंह धामी जी लोकसभा में पूरा ये जो लोकसभा क्षेत्र है, ये लोकसभा में जन्म पूर्व चुनाव एक जिम्मेदारी दी है हमारे पार्टी संगठन ने, भाई वीरेंद्र बल्दिया जी और ये विधानसभा में प्रभारी भाई महेमन कन्याल जी और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और हमारे दादू आदरणीय खुशाल सिंह पिपलिया जी, विधानसभा सह संयोजक भाई भगत बाथमी जी, अशोक नबियाल जी, रुकम बिस्त जी, गगन रजवार जी, खुशाल सिंह शाही जी, दीपक तुफाल जी, दीपक कार्की जी, श्री राजेंद्र नेगी जी, सुंदर मेहता जी, दुर्गा प्रसाद जी, हरीश धामी जी मंडल अध्यक्ष, महेश गर्ग्याल जी, वीरेंद्र नबियाल जी, हेमराज बिस्त जी, बजरंगी जी, भरत सिंह चुफाल जी, गोकर्ण सिंह धामी जी, लक्ष्मी दत्त पाठक जी, खुशमन राणा जी, दिलीप चुफाल जी, राजेंद्र जोशी जी, मुंशहरी बेटे आयनक हमारा प्रदीप रावत जी और गोविंद देवली जी एवं उपस्थित, यह बहुत खुली संख्या में बहुत ज्यादा मैं सब दीदी भुलिन आमा हमार बुबू मैं सब भाई बहन मैं सपन को इतनी खुली संख्या में यह पूछना कि मैं यहाँ सपन का है पल्ली माँ भगवती जी होकरा नंदा माँ नंदा भगवती माँ कोकिला माँ सुंदरी नाथ माँ कालिका उन्हें जगह प्रणाम करतू और आप सब लोगों ने मैं अपन प्रणाम करना मैं अपन सबको बेटे बहुत अभिनंदन करती आज कुछ खुल संख्या में सब लोग हमारे प्रधानमंत्री जी तीसर बार देशों प्रधानमंत्री बनून थी ना आज पूरा देश में एक खुली लहर चल रहा है देश में यो देश आजादी के बाद पल्लो पहला चुनाव इस उम्री जय चुनाव में कोई यू कह रहे हो कै सरकार बने कै सरकार बने ये कोई प्रश्न ना तुम सब लोगों ने अगर मैं आप सब लोगों ने तमिल दले पूछ लो कै सरकार बनूंग रहे तो तुम बोला मोदी जी सरकार बनूंग रहे बोला ही ना बोला कै सरकार बनूंग रहे और जोड़े बोल रहे हैं बुढ़िया आवाज में आई कै सरकार बनूंग रहे कै सरकार बनूंग रहे तो जैसे पूरा देश में कुंभियान की मोदी जी की सरकार बनूंग रहे उससे अगर मैं ये लोकसभा क्षेत्र की बात करूं कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र जो लोकसभा क्षेत्र हमारे जैसे 14 विधानसभा हमारे अगर हम यह बैठे शुरू कर लो तो चंपावत में 2 विधानसभा चंपावत लोहागढ़ पिथौरागढ़ में अगर शुरू कर लो 4 विधानसभा और बागेश्वर में 2 विधानसभा अल्मोड़ में 6 विधानसभा सब मिलावे 14 विधानसभा और ये 14 विधानसभा में कैसे अगर कुछ नहीं कि आयल क्या वोट दिन वाल छो सब कॉल मोदी जी वोट दिन रहे अजय टंका जीतू रहे यही कहो तो सब उनको वोट मोदी जी और अजय टंका जी है ना तो लेकिन अब ये बात इसे कि आयल क्या विधानसभा बैठे अलो ने पूर्व दिना वो विधानसभा में विसंधा बस रहे हैं मैं वो बोलूं हमारा डीडीआर विधानसभा में और वहां बैठे मैंने शुरू करी कि भाई चुनाव अभियान जो चुनावी जनसभा से वो डीडीआर विधानसभा बैठे हमने शुरू करी वो दिन ले अजय टंका जिले थे बिशन डाले थे ये गड़िया जिले थे हमारे बल्दिया जिले थे सब लोग थे और वो दिन मैं कि आप यही कंपटीशन किस है बात कंपटीशन किस है आपस में कि सब विधानसभा बैठे जितना रहा सब जाग मोदी जी दिन जन वोट लेकिन सपन का है जद वोट पहला बार क्या विधानसभा बैठे होंगे जय दिन का चलो मैं तो विश्वास था कि अगला बार बहुत ज्यादा रिकॉर्ड है हमने जो थोड़ा कमी रह गए विधानसभा चुनाव में वो कमी ले अगला बार पूरी हो जाए पूरी हो जाए अगला बार पूरी हो जाए
मैं आप सब लोगों के बीच में जब भी हूं तब मैं ऐसे ये महसूस होते कि मैं अपन घर आ रही हूं, अपन परिवार में आ रही हूं। और जब जो है सपल हमारा दीदी बहने ने नाम नाम नंती नाम ले बहुत जोशल और बहुत आशीर्वाद हमारे बुजुर्गों ने बाटा बाटा में खड़ी मेरे मल बेटे घर बेटे हैं कि पूनम बिसंदा वो तो देवल में खड़े रहना ध्यान रहते हैं फूल देवी तो वहाँ बेटे कहले फूल फूल रखे हमें सर में कहले जो है माला रखी कहले धूप रखी कोई पत्ता ले रही थी मैं तम सब उनको बहुत मैं प्रणाम करती हूँ बहुत धन्यवाद करती हूँ इस समय में आशीर्वाद दी। और आज मैं विशेषकर एक हम सब लोगों ने एक आग्रह करने के लिए आ रही हूँ कि हमारे ये जो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र जो हमारे प्रत्याशी छन भाई अजय टंटा जी इन्हन जितना लिखी और खाली जितना ने एक रिकॉर्ड वोटिंग में जितना लिखे आप सबको आशीर्वाद और सहयोग मांगना ही ना हमारे बीच में आ रही है। और आप लोगों को एक एक वोट एक एक वोट हमारे जो प्रधानमंत्री जी सन जनार्दन अजय टंटा जी ने बताया कि बहुत काम उन्होंने देश में कर रहा है और एक एक वोट कमर जो कमला फूल में जालो वो एक एक वोटल हमारे प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत होने वाले सन उन्होंने ताकत में होने वाले एक लीजिए हम सब लोगों को प्रधानमंत्री जी हाथ मजबूत करना है ना 19 तारीख सब लोगों ने घर बैठे रक्त आवे रक्त पल्ली के रोड का चाय बाद में खिला।